हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। लेटेस्ट स्टॉक अपडेट में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस बार की जो बजट आएगी यहाँ पे, आपको इस बजट में अगर हम बात करें तो बजट में 2024 के बजट में जो जुलाई 22 जुलाई को जो बजट आने वाली है, इसमें कौन से स्टॉक पे फोकस बना के रखें और इसमें कौन से स्टॉक होंगे जो आने वाले समय में एक रैली दिखा सकता है, इसके अंदर बहुत अच्छी रैली जिसके अंदर एक बड़ा गेन देखने को मिल सकता है, उसमें हम बात करेंगे दोस्तों। अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे पहले, तो यहाँ पे जो इस बार खास करके अगर हम यहाँ पे बात करें कि बजट 2024 में स्टॉक फ्रॉम दीज थ्री सेक्टर एक्सपेक्टेड टू रैली, यहाँ पे एक तरह से अगर हम देखें बड़ी अपडेट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि तीन सेक्टर के अंदर यहाँ पे जितने भी एनालिस्ट हैं ये मान के चल रहे हैं कि इसके अंदर एक बड़ी रैली देखने को मिल सकता है। मैं उस पर अगर हम बात करूँ दोस्तों, तो सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पे जो एनालिस्ट हैं वो कौन है, यहाँ पे एक तरह से अगर आप देखें SBP हैं, रिटेल रिसर्च के रैली गियर ब्रोकिंग के डॉक्टर रवि सिंह, जो यहाँ पे इनका एक तरह से वेरी ऑप्टिमिस्टिक है और यहाँ पे इस बजट को लेके खास करके यहाँ पे बात करें तो इसमें एक तरह से तीन सेक्टर ऐसा है जिसमें एक बड़ी रैली आने की चांसेस बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। सबसे पहले अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो पहला सेक्टर जो मुझे लगता है और आई होप कि आपको भी लगता होगा कि डिफेंस सेक्टर है जो यहाँ पे एक तरह से बड़ी रैली दिखाता हुआ नजर आ सकता है आपको। तो डिफेंस सेक्टर में अगर हम बात करें तो डिफेंस सेक्टर में कौन से स्टॉक हो सकते हैं जो यहाँ पे खास करके बहुत ज्यादा फोकस होगा। रिसेंटली अगर आप देखें बेल की भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पे रिसेंटली इसको एक बड़ा ऑर्डर भी मिलता हुआ नजर आया, 3172 करोड़ का ऑर्डर मिला है, आप ये देख सकते हैं। तो कंपनी को यहाँ पे ऑर्डर तो मिल ही रहा है, यहाँ पे कंपनी एक तरह से बड़ा रिटर्न ऑलरेडी दे चुकी है। यहाँ पे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स अगर रिटर्न से अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखो मल्टीबैगर रिटर्न आपको दे चुकी है। 2023 में 123 रुपए के करीब करीब 3 जुलाई को देखने को मिल रहा था, आज के डेट में 300 पार ये स्टॉक आपको देखने को मिल रहा है। तो रिटर्न बहुत अच्छा कंपनी ने ऑलरेडी दे चुका है। और यहाँ पे अगर हम बात करें HAL की, अगर हम देखें यहाँ पे HAL, तो यहाँ पे HAL भी एक तरह से काफ़ी अच्छा स्टॉक है। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जिसको हम बोलते हैं, इसका PE अभी भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 46 पे ही देखने को मिल रहा है। और इस कंपनी का जो ROC या ROE है, ये दोनों चीज़ें काफ़ी शानदार, 114 रुपये का EPS कंपनी यहाँ पे जनरेट कर रही है। तो यहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अंदर भी बहुत अच्छी रैली आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। रीजन बिहाइंड, यहाँ पे एक बड़े बड़े ऑर्डर इस कंपनी को मिलता हुआ नजर आएगा, लेकिन यहाँ पे अभी के टाइम पे अगर हम देखें तो इस स्टॉक में कुछ टाइम से गिरावट और कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे यहाँ पे स्टॉक मार्केट देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे इसके प्राइस में तेजी देखने को नहीं मिल रहा है दोस्तों। यहाँ पे एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है और जो लोग प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लेंगे उसके बाद इस स्टॉक में एक बड़ी रैली आने की संभावना और भी बढ़ जाएगा। तो आने वाले समय में ये 10,000 शेयर पर शेयर होने वाला है दोस्तों, इस चीज को आप ध्यान रखो। यहाँ पे ये तो हो गया, यहाँ पे एक तरह से देखें तो यहाँ पे भारत डायनेमिक्स भी आप देख सकते हैं कि भारत डायनेमिक्स है जो बेसिकली यहाँ पे इस कंपनी के ऊपर भी ज्यादा फोकस बना के चल सकते हैं, क्योंकि ये भी PSU के अंडर में ही आते हैं और मिनी रत्ना कंपनी है बेसिकली। यहाँ पे कैटेगरी 1 में इस कंपनी का नाम आता है, हालांकि ये थोड़ा सा महंगा लगता है, लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे इसका भी एक तरह से ग्रोथ है काफ़ी अच्छा होता हुआ नजर आता है। एक्सपोर्ट करती है डिफेंस सेक्टर के जो एक तरह से इक्विपमेंट होती है, डिफेंस सेक्टर में जो यूज होता है इक्विपमेंट, वो सारे चीज़ें मिसाइल्स ये सब सारे चीज़ें एक्सपोर्ट करती है दूसरे कंट्रीज को। पिनाका को नाम सुने होंगे, वो इसी कंपनी के द्वारा एक्सपोर्ट किया जाता है। तो यहाँ पे एक तरह से देखें तो मतलब कि डिफेंस सेक्टर पे काफ़ी ज़्यादा फोकस रहने वाला है कुल मिला के अगर हम बात करें तो। यहाँ पे दूसरे सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डिफेंस सेक्टर तो एक हो गया कि इस सेक्टर पे गवर्नमेंट का बड़ा एक्शन होता हुआ नजर आएगा, लेकिन अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की तो इंफ्रास्ट्रक्चर में एक तरह से खास करके बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा फोकस रहेगा। अगर 2047 का जो प्लान है गवर्नमेंट का कि विकसित भारत 2047 तक, यहाँ पे गवर्नमेंट का प्लान है कि विकसित भारत बनाना है इसको, और जब विकसित भारत बनाना है तो यहाँ पे एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। और ये वर्क करने के लिए कंपनी को यहाँ पे एक तरह से
इसकी आवश्यकता होगी, कुछ कंपनियों पे फोकस कर होगा एक तरह से इस टाइम पे, और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो खास करके सीमेंट सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। तो सीमेंट सेक्टर में बड़ी रैली आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो यहाँ पे लार्सन एंड टर्बो भी एक बड़ा रोल निभाता है, तो यहाँ पे इसका भी एक तरह से देख सकते हैं लार्सन लार्सन एंड टर्बो, लार्सन एंड टर्बो जिसको एलएनटी बोलते हैं, इस कंपनी का भी एक बड़ा रोल है जिसमें एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफ़ी ज़्यादा इनका काम होता है। काम तो यहाँ पे डिफेंस में भी करती हैं, हाइड्रोकार्बन पावर टेक्नोलॉजी सब कुछ में करती है, लेकिन यहाँ पे एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इनका काम काफ़ी अच्छा है। ए सी ई पे भी फोकस करके चल सकते हैं, ए सी ई कंपनी है, ए सी ई इंफ्रास्ट्रक्चर वो फुल्ली यहाँ पे मुझे देखना पड़ेगा ए सी ई किस नाम से आएगा, ए सी ई सॉफ्टवेयर आ रहा है, तो ए सी ई करके कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डाल दो इंफ्रास्ट्रक्चर, तो फुल्ली आपको कुछ चीजें दिख सकता है यहाँ पे दिख नहीं रहा, चलिए कोई नहीं, चलिए इस चीज़ को स्किप करते हैं। कंपनी जैसे मेरे को दिखेगा मैं कमेंट में, अगर आप पूछना चाहें तो मैं फिर बता दूंगा, मे भी मैं कुछ गलत सर्च कर रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे ये तो ये बात हो गई है, अब आगे हम बात करते हैं एक तरह से यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कंपनियाँ उसके ऊपर फोकस करके चल सकते हैं, सीमेंट सेक्टर पे फोकस करके चल सकते हैं क्योंकि सीमेंट की ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। तो यहाँ पे अभी के टाइम पे आपको देखना है कि कौन सी ऐसी कंपनी है जो सीमेंट में एक तरह से सस्ता है। तो सीमेंट में केसीपी, जैसे मैं देखूँ तो यहाँ पे केसीपी एक करके कंपनी है जो आंध्रा के अंदर है, ये काफ़ी सस्ता मुझे लगता है, 244 रुपये पे प्राइस अभी, 14.60 रुपया का ईपीएस जनरेट करती है कंपनी। और बेसिकली इनका खास करके जो बिजनेस है सीमेंट का बिजनेस काफ़ी अच्छा खासा है, और यहाँ पे आरओसी आरओई भी कंपनी का काफ़ी सही है। तो ये कंपनी है, आप बड़े बड़े कंपनियाँ ले सकते हैं एक तरह से, आदित्य बिरला ग्रुप की जो सीमेंट कंपनी उस पर भी फोकस कर सकते हैं, अल्ट्राटेक है, एसीसी है, ये सब सारी चीज़ों पे फोकस करके चल सकते हैं, एसीसी सीमेंट है। तो यहाँ पे इसकी 22 की पी देखने को मिल रहा है, 2619 रुपये पे शेयर प्राइस है यहाँ पे। तो इन कंपनियों पे आप फोकस बना के चल सकते हैं, क्योंकि इसका एसीसी का अगर आप देखोगे तो 124 रुपये की ईपीएस जनरेट हो रही, फिर भी 2619 रुपया शेयर प्राइस अभी के टाइम पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे डेप्ट भी कंपनी के ऊपर कम है, तो इस तरह की कंपनियों पर आप फोकस करके चल सकते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें थर्ड नंबर पर, जो यहाँ पे बेसिकली गवर्नमेंट का जो फोकस रहने वाला है पीएसयू की कंपनी, जिसमें पीएसयू कंपनी में अगर हम बात करें रेलवे के जो स्टॉक्स हैं उस पर खास करके फोकस रहने वाला है, रेलवे पे गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा फोकस रहेगा। तो अगर हम बात करें आरवीएनएल की सपोज दैट, तो आरवीएनएल पे बहुत ज़्यादा एक तरह से आप देख सकते हैं 417 रुपये पे स्टॉक ऑलरेडी पहुँच चुका है और ग्रोथ काफ़ी अच्छा दिखा रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें आईआरएफसी पे, एक तरह आईआरएफसी का यहाँ पे एक तरह से अपना स्टेक है जो गवर्नमेंट सेल करने वाली है, वो एफएस ला सकती है आने वाले समय में, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आईआरएफसी की बात कर लें, अगर हम आरईसी की बात करें जो पीएससी कंपनी में आरईसी लोन प्रोवाइड करती है एक तरह से पावर सेक्टर को, तो ये कंपनी पे हो गया। पीएफसी की अगर हम बात करें पीएफसी, तो यहाँ पे इन कंपनियों पे एक तरह से फोकस करके चल सकते हैं यहाँ पे, तो ये यहाँ पे एक तरह से काफ़ी अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे ये सब सारी चीज़ें तो हैं ही दोस्तों, ये मतलब कि एक तरह से रेलवे स्टॉक में बहुत सारे एक तरह से टीटागढ़ रेल सिस्टम की अगर हम बात कर लें, तो वहाँ पे टीटागढ़ रेल सिस्टम में भी यहाँ पे गवर्नमेंट की कुछ ना कुछ हिस्सेदारी हो सकता है आने वाले समय में, ओएफएस के जरिए सेल हो सकता है। तो जो यहाँ पे सारी चीज़ें मैं बात कर रहा हूँ कुल मिला के अगर हम बात करें, तो यहाँ पे उन स्टॉक पे ज़्यादा फोकस बना के रखना है जो सरकारी कंपनियां हैं, और यहाँ पे वो अब जो स्टॉक अभी के टाइम पे सस्ता है, सस्ता स्टॉक कैसे आपको देखना होगा, ये सबसे पहले इस चीज़ को आप देखिएगा, पी कम होनी चाहिए, इंडस्ट्री पी से इनका पी कम होनी चाहिए, इस चीज़ का बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, और वो बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा हाई नहीं होनी चाहिए। कंपनी अगर ईपीएस अच्छी खासी जनरेट कर रही है, कंपनी का आरओसी और आरओई भी ठीक ठाक होनी चाहिए एटलीस्ट दोस्तों, तो ये सब सारी चीज़ों, कोई भी प्लेजिंग परसेंटेज जीरो होनी चाहिए,
डेप टू इक्विटी अगर हम बात करें तो, अगर फिनांस कंपनियों को छोड़ के डेप टू इक्विटी अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल एक से कम होनी चाहिए। ये सब सारी चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा। तो ये सब सारी चीज़ों को ध्यान रख के अगर अभी के टाइम पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाला समय में जो 22 जुलाई होगा वो एक तरह से डेट आपके लिए एक तरह से गुड लक साबित हो सकता है और यहाँ पे एक बड़ा वेल्थ क्रिएट करने का मौका हो सकता है आपके पास। तो दोस्तों यहाँ पे अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यहाँ पे फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। लेकिन मैं यहाँ पे किसी भी प्रकार का स्टॉक में इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं करूँगा।